रेगिस्तान के जहाज की तस्करी का मामला प्लानी पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तस्करी का मामला सामने आया है। इसमें प्लानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्लानी थाना अधिकारी रणजीत सिंह सेवदा ने बताया कि महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू मुदुल कछावा के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू डॉक्टर तेजपाल सिंह, वर्ताधिकारी चिड़ावा सुरेश शर्मा के निकट सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा की टीम द्वारा ऊँटों के वध हेतु तस्करी करने वाले आरोपी आदिल कुरैशी पुत्र रशीद कुरैशी, जाति कुरैशी, मुसलमान, उम्र 28 साल, निवासी पुराना कस्बा मोहला, केतीपुरा, जिला बागपत, थाना बागपत, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि प्लानी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान जरिए मोबाइल कांस्टेबल महेश कुमार पुलिस चौकी पीपली को सूचना मिली कि एक पिकअप में ऊंट की तस्करी की जा रही है। उस पिकअप को रुकवाया गया, तब सामने आया कि ऊंट व ऊंटनी कुल 3 नग ठूस ठूस कर उसमें भरे गए थे। सूचना पर प्लानी थाने से पुलिस चौकी पीपली के सामने पुलिस पहुंची, जहां पर कांस्टेबल राजेंद्र कुमार व कांस्टेबल महेश कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सुभाष चंद्र, प्रवीण कुमार, राजेंद्र कुमार, महेश राजेंद्र आदि शामिल रहे। लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टरों पर लाठी चार्ज व पानी का छिड़काव। डॉक्टरों ने किया इसका विरोध, कहा बिल वापस नहीं लेने तक डटे रहेंगे जयपुर। लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टरों पर लाठी चार्ज व पानी का छिड़काव किया गया, जिसका डॉक्टरों ने विरोध करते हुए इसको दमनकारी नीति बताया है। साथ ही साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जयपुर में डटे रहेंगे। वरिष्ठ डॉक्टर एल के शर्मा ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल राज्य सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है, लेकिन वे जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता है तब तक जयपुर में ही डटे रहेंगे, बिल वापस लेने के बाद ही वापस लौटेंगे। राजस्थान सरकार अपनी जिद पर आमादा है, चुनाव वर्ष में जनता को लॉलीपॉप देना चाहती है। एक दिखावे की आरटीएच की स्कीम लाकर डॉक्टर्स को दमन करने पर आमादा है। आज विधानसभा में ये बिल आरटीएच का पास करने पर सरकार अड़ी हुई है। इधर डॉक्टर्स के कहना है, हम सब लोगों का कहना है कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ये आरटीएच बिल इतना अव्यवहारिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी, दमनकारी, कपोल कल्पित, मुंगरी लाल के हसीन सपने से अलावा कुछ नहीं है। हमारे और मरीजों के बीच में अच्छे संबंध को बिगाड़ने का एक शगुफा लेकर आई है सरकार, जिससे किसी का भला होने वाला नहीं है। अभी डॉक्टर्स ने तय किया है कि विधानसभा में बैरिकेड तोड़कर जाएंगे, क्योंकि आज करो या मरो की स्थिति है। पुलिस सामने अपने पूरे साजो सामान के साथ, घुड़सवार पुलिस के साथ, कैनन के साथ हम पर वार करने के लिए तैयार है, तत्पर है, सब कुछ चल रहा है। इसी के साथ ये देखना होगा कि हम अपनी मांग इस जिद्दी, गहरी और गूंगी सरकार से मनवा पाने में सफल होते हैं, या कुर्बानियों पर कुर्बानियां देने के लिए हम उस मंजिल पर कुछ भी कीमत चुकाएंगे, परंतु आरटीएच बिल को लाने के लिए, मानने के लिए, लागू करने के लिए कतई तैयार नहीं है। चिकित्सक एकता जिंदाबाद। राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका संशोधन बिल का विरोध, चिड़ावा के पार्षदों ने जताया विरोध। राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका संशोधन बिल पास किया गया है, जिसका अब विरोध होना भी शुरू हो गया है। चिड़ावा के पार्षदों ने इसका विरोध जताया है। पालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, पार्षद निखिल चौधरी, सतपाल जांगिड़, लोकेश कटारिया आदि ने कहा कि इस बिल का वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं तथा इस बिल को उनके अधिकारों का हनन होगा और बिल तानाशाही है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका संशोधन बिल पारित किया गया है। इसमें अब पार्षदों व निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर जांच के बाद कभी भी हटाने का प्रावधान जोड़ा गया है। सरल भाषा में समझा जाए तो अब पार्षदों को उस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जो हक हैं और जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनका इन लोगों ने हनन करने का ये बहुत ही जिसको क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर, जो चौथे स्तंभ के ऊपर इन्होंने बड़ा अटैक किया है और वो सरासर बिल्कुल गलत है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये लोग क्या है कि इस बिल के माध्यम से अपने दबाव में, राज्य सरकार किसी भी पार्टी की हो तो उसको दबाव में रखने के लिए ये एक षड्यंत्र है और हम लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि इस बिल की घोर भर्त्सना करते हैं।
इसका नुकसान क्या है, इनके अपील का अधिकार नहीं रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। विधेयक के बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जो ने बोला है विधानसभा के अंदर, उसी लैंग्वेज के हिसाब से तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मौलिक अधिकार का ही हनन है भाई। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ में एक आम नागरिक भी तो है, उनके मौलिक अधिकार का हमें तो कोई कहें कहाँ जैसे कोई रिट या याचिका या अपनी सुनवाई या अपना पक्ष रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही वो नहीं दे रहे हैं। जैसा पहले विधेयक में था उसमें कम से कम कोर्ट के अंदर सुनवाई तो होती थी, उसके बाद में तो आप योग्य अयोग्य का फैसला करोगे। अगर एक पक्षीय आप कार्रवाई करोगे तो आपको लोकतंत्र में आपको पता है कि वो बिल्कुल गलत है भाई। हमें तो कोई ऐसा अधिकार इस विधेयक के हिसाब से नहीं मिला कि हम अपना पक्ष कहाँ रखें, वो तो सीधा ही अयोग्य घोषित कर देंगे इसको, ये योग्य है ये अयोग्य है, क्या पैमाना उस चीज़ का? उस चीज़ का कोई पैमाना नहीं है, बस एक ये राठौड़ी सी टाइप का विधेयक है। और हम लोग इनकी पूरे राजस्थान के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पंचायत राज्य के हो या पार्षद के हो, नगर निकाय का लागू किया है, और ये धीरे धीरे मतलब ये तानाशाही की प्रवृत्ति की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप क्या समझते हैं? राज्य सरकार ने ये जो बिल पारित किया है ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि इस बिल के माध्यम से इन्होंने ये करना चाहा है कि राज्य सरकार स्वयं अपनी जांच करके निर्णय दे कि ये योग्य है या अयोग्य। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आम नागरिक और जनप्रतिनिधियों को जो अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन है। कहीं भी अपील करने का अधिकार जनप्रतिनिधि को इसमें नहीं दिया गया है। बगैर किसी का पक्ष सुने उसको दोषी करार देना ये सही नहीं है, और राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बिल पर पुनर्विचार करें। ये बिल आप पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हो, जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय निकायों के पार्षद हैं उनके अधिकारों को छीन कर आप उनको दबा के रखना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप उनकी आवाज़ उठाने नहीं देना चाहते। जो आपने कर दिया वो सही है, ये ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि एक आम नागरिक भी होते हैं, और सरकार से मैं आशा करता हूँ कि इसे पुनर्विचार करेंगे, अन्यथा चुनाव का समय आगे है और सरकार को सबक सिखाया जाएगा। झुंझुनू की पूर्व सांसद एवं सूरजगढ़ की पूर्व विधायक संतोष अहलावत ने सूरजगढ़ विधानसभा से पेश की टिकट की दावेदारी, कहा पार्टी से टिकट की करेंगी मांग। झुंझुनू के पूर्व सांसद एवं सूरजगढ़ की पूर्व विधायक संतोष अहलावत ने सूरजगढ़ विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने दिए गए स्पेशल इंटरव्यू में कहा कि सूरजगढ़ विधानसभा से वे भाजपा पार्टी से टिकट की मांग करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो भी माना जाएगा। अहलावत ने कहा कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनके राजनीति के करियर की शुरुआत हुई थी, यहाँ से वे प्रधान रही, विधायक भी बनी, यहाँ की जनता ने उन्हें बेहद स्नेह और आशीर्वाद दिया है, इसलिए वे इस बार पार्टी से टिकट की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही उनका ससुराल पीहर एवं ननिहाल रहा है, पार्टी का आदेश होता है तो वे अवश्य चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर अभी क्या आपकी तैयारियां हैं? पार्टी से आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं, और क्या आपकी पूरी ये योजना रहेगी? सूरजगढ़ विधानसभा मेरी अपनी विधानसभा है, जहां से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, और मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, मेरा ससुराल पीहर नदियाल सब रहा है, यहां से मैं विधायक रही हूं, प्रधान रही हूं। मैं पार्टी से सूरजगढ़ विधानसभा के लिए टिकट मांग रही हूं। गायत्री पीठ के 16वें वार्षिक उत्सव पर निकाली गई मशाल रैली, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। गायत्री पीठ के 16वें वार्षिक उत्सव पर मशाल रैली का आयोजन किया गया, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गायत्री शक्तिपीठ के 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान कबूतरखाना पुराना बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर से मशाल रैली का शुभारम्भ हुआ। मशाल रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए गायत्री शक्तिपीठ पहुँची, जहाँ मशाल रैली का समापन हुआ। बस पुराना बस स्टैंड के पास जो गणेश जी महाराज का मंदिर है, वहाँ से प्रारंभ होकर और गांधी चौक और कल्याण प्रभु के परिक्रमा देते हुए टेकड़े से होती हुई वो यात्रा जो है मशाल जुलूस या शक्तिपीठ। आयोजन को सफल बनाने के लिए रामनिवास सैनी, सत्यनारायण सैनी, गोपीराम सैनी, रमेश हिम्मतराम का, विनोद वर्मा, महेंद्र बदनगढ़िया, विद्याधर सोनी,
संदीप हिम्मतराम का, अशोक व्यास, सावरमल टेलर, रामदेव पारिक, चंद्रपाल सिंह आदि जुटे हुए हैं। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह भी नजर आया और सभी ने आस्था के साथ मशाल रैली में भाग लिया। आपको बता दें कि इस आयोजन में बड़े उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं। बता दें कि इस 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन 22 मार्च को होगा। बता दें कि गायत्री शक्तिपीठ की ओर से उनके 16वें वार्षिक उत्सव के चलते ये आयोजन किया जा रहा है।